Good morning, students. In an earlier video, we have discussed about internal structure of dicot stem. Today, we will discuss about internal structure of monocot stem. Example, tears of Gia maize. Gia maize जो है वो है एक बीजपत्री प्लांट होता है. एक बीजपत्री इसका स्टेम का टीयर्स की स्टडी करते हैं तो इस तरह से वो दिखाई देता है. इसका एक ग्राउंड प्लेन है और इसका टीयर्स इस तरह से होता है. तो मोनोकोट स्टेम का जो वेस्कुलर बंडल होता है वो स्केटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है. डाइकोट के अंदर वेस्कुलर बंडल बिखरा हुआ नहीं होता, पित्त के चारों ओर एक रिंग में पाया जाता है. तो सबसे पहले इसका जो टीएस ऑफ जियामेस आप देख रहे होंगे, देखो इस तरह से ये ग्राउंड प्लेन के अंदर ये ग्राउंड टिश्यू है, ये पूरा ग्राउंड टिश्यू है. इसके अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ये है वेस्कुलर बंडल और ये वेस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरे हुए हैं. तो जिस तरह से हमने डाइकोट स्टेम की स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर स्ट्रक्चर पड़ी थी, उसी तरह से इसकी भी स्ट्रक्चर भी इसी तरह से हम पढ़ेंगे. इसके सबसे बाहर जो लेयर है वो है एपिडर्मिस, जिसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो. एपिडर्मिस दिख रही है आपको. एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल की लेयर है, ये वाली सबसे बाहर वाली, ये वाली. और क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है. हाइपोडर्मिस इसके हाइपोडर्मिस का जैसे डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस का विभेदन डिफरेंशिएशन पाया जाता है, वैसे एक बीजपत्री में डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता. आपको एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस दिख रही है, उसके बाद में ये क्लोरेनकाइमा जिसमें ग्रीन कलर की सेल्स दिख रही है, ये है क्लोरेनकाइमा. और वेस्कुलर बंडल ये दिख रहे हैं आपको. वेस्कुलर बंडल वाई शेप या वी शेप होते हैं, ये देखो इसका शेप जो है वो है वी शेप. और ये ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरा हुआ होता है. तो इस वेस्कुलर बंडल के अंदर आपको ये मेटाजाइलम, ये जो दोनों बड़े साइज के हैं ये है मेटाजाइलम और छोटे साइज के हैं होते हैं वो होते हैं प्रोटोजाइलम. तो दोनों मेटाजाइलम के बाहर आपको ये फ्लोएम दिख रहा है और ये जो बंडल सीथ दिख रही है आपको इसके चारों तरफ. अब इसमें आप देखिए डायग्राम में आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा, पिथ नहीं दिखाई दे रहा. मोनोकोट स्टेम के अंदर पिथ नहीं पाया जाता, डाइकोट के अंदर पिथ पाया जाता है और इसकी जाइलम और फ्लोएम उन स्ट्रक्चर में भी अंतर होता है. तो सबसे पहले इसके एपिडर्मिस के बारे में हम देखते हैं, इसके एपिडर्मिस किस तरह से होती है. एपिडर्मिस इसकी सिंगल लेयर युक्त होती है और थिन होती है और बैरल शेप्ड होती है, यानी ढोलकाकार इसका शेप होता है. पेरेन्काइमेटस सेल से ये बनी होती है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, यानी एक दूसरे के पास पास कॉम्पैक्टली पाई जाती है. ये इसके चारों तरफ थिक क्यूटिकल पाया जाता है. इसके एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं, कुछ स्टोमेटा पाए जा सकते हैं लेकिन हेयर्स जो है बहुत कम पाए जाते हैं, हेयर्स नहीं पाए जाते एपिडर्मिस. तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है वो है मोनोकोट स्टेम की एपिडर्मिस की. नेक्स्ट इसके अंदर कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स देखिए, ये कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के नीचे वाला ये पूरा हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉर्टेक्स कहते हैं. इसका कॉर्टेक्स का जो सबसे कॉर्टेक्स का हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस जस्ट एपिडर्मिस के नीचे दिख रहा है आपको. ये देखो ये सेल्स जो हैं, ये वाली सेल्स यहाँ तक ये हाइपोडर्मिस होती है. ये दो से तीन लेयर युक्त होती है, थिक वाल्व युक्त और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से बनी होती. इसके इनके अंदर भी किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं पाया जाता है.
और ये जो हाइपोडर्मिस है वो क्या काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती है। तो आप इस डायग्राम में जैसे दिख रहा है आपको, ये हाइपोडर्मिस है, इसके अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस ये सेल्स है, ये तो क्लोरेनकाइमेटस है जो ग्रीन कलर की है, और ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है आपको ये है क्लोरेनकाइमेटस सेल्स, ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती है। उसके बाद में ग्राउंड टिश्यू, इसमें इस मोनोकोट का स्पेशल कैरेक्टर होता है। ये जो है ये थिन वॉल्ड होता है राउंड पेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है और हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं और ये जो शेप में होता है वो है पॉलीगोनल शेप होता है इसका। इनके अंदर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ और रेस, इनका किसी भी तरह से डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता। वेस्कुलर बंडल इसके अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं, एक दूसरे इनके अंदर वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया आपको, ये वेस्कुलर बंडल इस पूरे कॉर्टेक्स के अंदर फैले हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, इस एरिया के अंदर। ऊपर हाइपोडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स में फैले हुए दिखाई, ग्राउंड टिश्यू के अंदर फैले हुए हैं। वेस्कुलर बंडल, इसकी स्पेशल यदि बात करें हम तो है इसका वेस्कुलर बंडल इसका जो है वो है बिखरावा पाया जाता है। बिखरावा होता है कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज टाइप का होता है। डाइकोट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड ना होकर ओपन टाइप का होता है। वेस्कुलर बंडल अकरिंग इन द पेरिफेरल रीजन आर स्मॉलर इन साइज एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, साइज में छोटे होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। और वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। और वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम अनुपस्थित होती है, इसलिए इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता। डाइकोट स्टेम के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसलिए उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती। इसके जाइलम की स्ट्रक्चर मैंने पहले डायग्राम में बताया था, वाई शेप्ड या वी शेप्ड होती है, बीरिंग टू लार्ज मेटाजाइलम वेसल्स विद वाइडर कैविटीज एंड पिटेड थिकनिंग एट द लेटरल आर्म। इसके अंदर जो वेसल्स होती है वो वाइडर कैविटी युक्त होती है और पिटेड थिकनिंग इसमें पाई जाती है। कुछ इसमें ट्रैकेट्स भी प्रेजेंट होती, जो मेटाजाइलम वेसल्स होती है उनके बीच में ट्रैकेट्स भी पाई जाती है। प्रोटोजाइलम वेसल्स आर ओनली वन और टू स्मॉलर नैरो कैविटीज हैविंग एनुलर और फॉर्म्ड लेजिनियसली बाय डिसइंटीग्रेशन और ब्रेकिंग ऑफ सम सेल्स और पेरेनकाइमा टिश्यू एंड रेयरली प्रोटोजाइलम वेसल्स। प्रोटोजाइलम के अंदर भी कभी कभी प्रोटोजाइलम वेसल्स पाई जाती है। थिन वॉल्ड जाइलम पेरेनकाइमा इज प्रेजेंट अराउंड द प्रोटोजाइलम वेसल्स। ये देखिए आप डायग्राम देखिए, इसके अंदर ये मेटाजाइलम है और ये है प्रोटोजाइलम ये वाला है और मेटाजाइलम ये। तो थिन वॉल जाइलम पेरेनकाइमा इज प्रेजेंट अराउंड द प्रोटोजाइलम, जो वेसल्स है उसके चारों ओर थिन वॉल पतली वाल युक्त जाइलम पेरेनकाइमा प्रेजेंट होती है। फ्लोएम, दोनों आप देख रहे हो जाइलम के बाहर की ओर उसके पास में फ्लोएम दिखाई दे रही है। ये जो ब्लू कलर की सेल्स दिखाई दे रही है वो है फ्लोएम। फ्लोएम इट इज कंपोज्ड ऑफ सीव एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम के अंदर सिर्फ सीव एलिमेंट्स और
कंपेनियन सेल्स ही पाई जाती है। इनके अंदर इन्हें मेच्योर बंडल द प्रोटोफ्लोएम गेट्स क्रस्ट जस्ट बिलो द सीथ सो द इनर पोर्शन इज मेटाफ्लोएम। अंदर वाला जो पार्ट है वो है मेटाफ्लोएम और बाहर वाला पार्ट है वो है प्रोटोफ्लोएम। सीव ट्यूब्स अपेयर पॉलीगोनल इन टीएस हैविंग इंटरनली सिचुएटेड कंपेनियन सेल्स। इट कंडक्ट्स द ऑर्गेनिक फूड। फ्लोएम का जो काम है वो है ऑर्गेनिक फूड का कंडक्शन करना। इसके वेस्कुलर बंडल जो है यानी मोनोकोट स्टेम के वेस्कुलर बंडल डाइकोट के वेस्कुलर बंडल से अलग होते। एक तो इसमें ओपन टाइप के नहीं होते, मोनोकोट स्टेम में क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं और डाइकोट में ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं। कैम्बियम, इसमें वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम अब्सेंट होती है और फ्लोएम सिर्फ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल से बना होता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाई जाती, जबकि डाइकोट स्टेम में फ्लोएम पेरेन्काइमा पाई जाती है। मेडलुरी रेज नहीं पाई जाती, मोनोकोट स्टेम के अंदर मेडलुरी रेज नहीं पाई जाती, जबकि डाइकोट स्टेम के अंदर मेडलुरी रेज पाई जाती। पिथ, मोनोकोट स्टेम के अंदर पिथ अब्सेंट होती है, जबकि डाइकोट स्टेम के अंदर पिथ पाई जाती। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट स्टेम के अंदर नहीं पाई जाती, जबकि डाइकोट स्टेम के अंदर पिथ सॉरी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। मोनोकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती और पिथ भी नहीं पाया जाता, पिथ भी अब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल जियामेज, जो आप डायग्राम देख रहे हो वो है जियामेज का। और डाइकोट स्टेम का एग्जाम्पल मैंने बताया था हेलियंथस एनस, इसको सूरजमुखी कहते हैं। जियामेज को मक्का कहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो। इन दिस कोरोना टाइम बी सेफ, टेक केयर, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर। बाय बाय।